Welcome back to the channel. This is Shubham and I hope you guys are doing absolutely fine. So it's 7:30 a.m. in the morning and I'm going to tell you about the electrification update between Shamli, Tapri and Delhi. So Shamli aur Delhi ke beech mein aap logo jaisa pata hai ki electrification ka trial jo hai wo ho chuka hai aur jo CRS hona tha वो भी हो चुका है. थोड़ा बहुत कमियाँ उसमें हैं, इसलिए उसको देखते हुए आगामी लगभग 10 से 20 अप्रैल के बीच में इलेक्ट्रिक ट्रेनों को शामली से दिल्ली के बीच में चलाने की परमिशन दी गई है. सब कुछ अगर ठीक रहा तो अपकमिंग अप्रैल में, यानी कि जैसे मैंने बताया कि 10 से 20 अप्रैल के बीच में शामली से दिल्ली के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेनों को चलाने की परमिशन दे दी जाएगी. बट उससे पहले भी एक दो ट्रायल होगा कि सब कुछ अगर सही रहा तो. और जो शामली से टपरी के बीच में जो अपडेशन है इलेक्ट्रिफिकेशन की, उसको बोला है शैलेश, जो CRS हमारे ऑफिशियल हैं, उन्होंने बोला है कि लगभग जुलाई या जून तक वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद अगस्त में वो ट्रैक भी इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा पूरा पूरा. यानी कि लगभग अगर मान के चलें मोटे मोटे तौर पर, मैक्स टू मैक्स लेके चलें, तो ये कहना है कि दिल्ली से टपरी के बीच वाया शामली के बीच में इलेक्ट्रिफाइड ट्रेनें जो होंगी वो पूरी तरीके से अक्टूबर माह के स्टार्टिंग में दौड़ने लगेंगी. ये मैं मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ. बाकी अगर थोड़ा बहुत टाइम कम लगता है या ज़्यादा लगता है तो आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा कहना है. तो जो CRS हुआ था उसमें थोड़ा बहुत जो कमियाँ पाई गई थी उनको दूर करने के लिए इतना टाइम दिया गया 10 से 15 दिन का, ताकि प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिक ट्रेनों को दौड़ाया जा सके शामली से दिल्ली के बीच में. और जब टपरी से शामली के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो जाएगा तो उसको भी जल्दी रेडी कर दिया जाएगा ट्रेनें दौड़ाने के लिए इलेक्ट्रिक, आफ्टर CRS इंस्पेक्शन के बाद में. तो ये थी कुछ ट्रेनें. और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि बाकी जो ट्रेनें हैं वो कब चलेंगी. देखिए, बाकी जो ट्रेनें हैं वो धीरे धीरे ही चलेंगी, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है कि अभी फिर से कोविड का जो अटैक है वो फिर से दोबारा ज़्यादा बढ़ने लगा है. इवन अगर महाराष्ट्र, आप मध्य प्रदेश, अहमदाबाद और यूपी में भी, और इवन पंजाब में, ये 5 स्टेट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कोरोना का अटैक हुआ है. इसमें सबसे ऊपर है महाराष्ट्र. तो इसलिए उसको देखते हुए अभी थोड़ा टाइम लग सकता है मे बी. वैसे रेलवे जल्द से जल्द सभी ट्रेनों को चलाने की परमिशन दे रहा है, तो आई होप कि जल्द से जल्द शामली रूट की भी ट्रेनें जल्द से जल्द चलेंगी. और जैसे कोई ट्रेन चलती है मैं फ़ौरन आप लोगों को अपडेट कर दूंगा उसके बारे में. सो दैट्स इट फॉर टुडेज अपडेट. एंड इफ यू गाइज लाइक देन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विच इज़ shubh_9987. आप वहाँ पर आके पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी सवाल, मैं आपको आंसर कर दूंगा प्रॉपरली. So yes, thank you very much guys. Bye.